नीतीश कुमार ने देसी अंदाज में बिहार विधानसभा में एक बात कही तो हंगामा हो गया। दिल्ली में बैठे बिहार की पत्रकार कहने लगी, हम शर्मिंदा हैं। नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात रखी, खुले मन से एक बात कही तो नीतीश विरोधी समूह को बहुत तरीके से मिर्च लग गई है। दिल्ली में बैठी बिहार की वो पत्रकार जो पीएम मोदी के लिए हर किसी से भिड़ जाती है, उन्होंने नीतीश के शब्दों को खुद को आहत मानकर किया वार। नीतीश के लिए तेजस्वी ने उस पत्रकार को अपने तरीके से ऐसा लपेटा कि अब फिर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अंजना ओम कश्यप का नाम तो जानते ही होंगे, पता नहीं क्यों वो अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये आदमी कहने लगी। लेकिन अंजना का ये अंदाज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने ऐसी बात कही, अंजना का सारा गुस्सा नीतीश के लिए ध्वस्त हो जाएगा। जिस भाषा का इस्तेमाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए किया गया वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसी बात कही कि जिससे बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हंगामा मच गया। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर खुलकर अपने अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे ना करता है, तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। दरअसल नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और इसी दौरान महिलाओं को लेकर कुछ कहा, कहने लगे लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। हालांकि जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे उस वक्त भी सदन के भीतर कुछ विधायक असहज दिखे, महिला विधायक खास तौर पर इस पर नाराज नजर आ रही। अब ऐसा कहा तो बिहार बीजेपी नीतीश के बयान का पोस्टमार्टम करने लगी, कहने लगी बिहार विधानसभा के बाद विधान परिषद में महिला और पुरुष के संबंधों का घृणित और निकृष्ट शब्दों में पोस्टमार्टम करके नीतीश कुमार ने अपना चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के प्रति अपनी घटिया सोच का साक्ष्य दिया है। नीतीश ने अपनी बात कही तो आज तक में पीएम मोदी समर्थक पत्रकार अंजना ओम कश्यप को शर्म आने लगी। उन्होंने नीतीश को कुछ इस तरह से फटकारा, यह आदमी बिहार का सीएम है, बिहार में नीतीश कुमार की भाषा के सामने शर्म भी शर्मिंदा है, ये महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा और वो भी विधानसभा में। अब सिर्फ इधर से उधर पलटने के लिए नहीं बल्कि फूहड़ भाषा और फिर निर्लज्ज हंसी के लिए भी याद रखा जाएगा। अंजना ने नीतीश की सोच पर सवाल उठाया तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अंजना की सोच पर सवाल उठा दिया, एक ऐसा तर्क दिया कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तेजस्वी ने कहा, एक बात बता दें, इसका अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया वो सेक्स एजुकेशन के बारे में था और जब भी इसकी बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं, इससे लोगों को बचना चाहिए। अब तो स्कूलों में इसकी पढ़ाई होती है, साइंस और बायोलॉजी में तो स्कूलों में इसकी पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। नीतीश कुमार के कहने का मतलब आबादी नियंत्रण को लेकर था, जिसमें जो भी प्रैक्टिकली बात आती है वो उन्होंने किया। बात भी सही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात कही वो देसी अंदाज में था। अब वही बात अगर इंग्लिश में कहते तो पत्रकार महोदय को शायद नहीं अखरता, शायद शर्म नहीं आती, लेकिन बिहारी लैंग्वेज में कहना उन्हें अखर गया तो शर्म करने लगी, शर्मिंदा हो गई। लेकिन तेजस्वी ने इस अंदाज में नीतीश की कही बात को रखा, उससे लगा कि वो कह रहे हो शर्म मत कीजिए, इस पर तो बात होनी ही चाहिए।